आज हम बात करने वाले हैं विंडोज़ के एसेसरीज के बारे में, जिसमें हम बात करेंगे एमएस पेंट के बारे में, नोटपैड के बारे में, वर्ड पेड के बारे में, विंडोज़ मीडिया प्लेयर के बारे में, कैलकुलेटर एंड गेम्स एंड मैथ इनपुट पैनल। ये सारे सॉफ्टवेयर्स होते हैं जो कि डिफ़ॉल्ट आपको विंडोज़ में प्रोवाइड किए जाते हैं। कहने का मतलब ये है कि उसकी एसेसरीज होती है जिसमें आपको ये सारे सॉफ्टवेयर्स देखने को ही मिलेंगे। तो सिंपली आपको करना क्या है कि जाना है यहाँ पर स्टार्ट बटन पे, यहाँ पर आपको जाना है ऑल प्रोग्राम्स में, यहाँ पर आपको ऑप्शन मिलेगा एसेसरीज का। तो जैसे ही आप जाओगे एसेसरीज में, आपको यहाँ पर कुछ एसेसरीज देखने को मिल जाएंगी। तो सबसे पहला रहेगा इसके अंदर कैलकुलेटर। तो कैलकुलेटर इसके अंदर कॉमन सा एक कैलकुलेटर मिल जाएगा, जिससे आप मैथ्स के प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हो, कैलकुलेशन कर सकते हो कैलकुलेटर से, ठीक है। तो ये इसके पहले एसेसरीज होती है जो कि एक आपको विंडोज़ में देखने को मिल जाती है। एसेसरीज मतलब होती हैं उसका कुछ डिफ़ॉल्ट दिए हुए कुछ पार्ट्स या फिर इनपुट के लिए यूज़ किया अच्छी जाने वाली चीज़ें, ठीक है। जिसमें हम एमएस पेंट तो देखने ही वाले हैं, ठीक है। जैसे मैंने आपको अभी कैलकुलेटर बताया, तो सिंपली आपको करना क्या है कि अगर आप रिसेंट में यूज़ करोगे इसको, तो ये आपको ऊपर भी दिखाई देने लगेगा, जैसे विंडोज़ मीडिया सेंटर, ठीक है, विंडोज़ मीडिया प्लेयर, तो ये सारी चीज़ें आपको देखने को मिल जाएंगी। तो यहाँ पे मैं जा रहा हूँ एसेसरीज में, तो मैंने आपको कैलकुलेटर बता दिया था। यहाँ पे आपको मिल जाएगा नोटपैड। तो नोटपैड क्या होता है कि एक पेड टाइप का होता है, एक सॉफ्टवेयर है जिसके अंदर आप चीज़ें नोट कर सकते हो। इसमें आपको बहुत सारी चीज़ें देखने को मिल जाएंगी, जैसे फाइल को सेव कर सकते हो, ओपन कर सकते हो, सेव अस कर सकते हो, पेज सेटअप कर सकते हो, प्रिंट कर सकते हो पेज को, ठीक है। एडिटिंग के लिए भी बहुत सारे ऑप्शंस आपको देखने को मिल जाएंगे। तो यहाँ पर जैसे एडिटिंग के लिए यहाँ पर अंडू दिया हुआ है, कट दिया हुआ, कॉपी पेस्ट दिया। तो यहाँ पर जो कॉमन शॉर्टकट कीज़ होती है, जैसे कट, कॉपी पेस्ट, ये चलते हैं, डिलीट भी काम करता है, ठीक है। फॉर्मेट में आप यहाँ पर फॉर्मेट कर सकते हो, फॉन्ट को फॉर्मेट कर सकते हो, ठीक है, जो कुछ लिखा हुआ आपने उसको फॉर्मेट कर सकते हो। तो ये कुछ फॉर्मेटिंग ऑप्शन है, जैसे लैंग्वेज का ऑप्शन आपको मिल जाएगा, रेगुलर टेक्स्ट चाहिए आपको कैसा चाहिए, तो आप यहाँ पर ये यूज़ कर सकते हो, ठीक है। तो फॉर एग्जांपल मैं आपको लिख के दिखा देता हूँ यहाँ पे। तो जैसे मैंने यहाँ पे लिखा वेलकम, ठीक है, और यहाँ से मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ इसको, तो सिलेक्ट कर लेता हूँ मैं यहाँ से इसको, तो मैंने यहाँ सेलेक्ट कर लिया उसको। तो यहाँ से फॉर्मेट में जाता हूँ मैं फॉन्ट के अंदर, तो यहाँ से फॉन्ट चेंज कर देता हूँ, इटैलिक कर देता हूँ, साइज़ बढ़ा देता हूँ, तो ये सारी चीज़ें मैं यहाँ पे कर सकता हूँ। तो ये कुछ ऐसा दिखने लगेगा, ठीक है। आप चाहे तो फाइल को सेव कर सकते हो। तो ये नोटपैड होता है, नोटपैड की कमियों को पूरा करने के लिए या फिर जो उसके अंदर कमियां रह गई थी उसके लिए वर्डपैड होता है। तो वर्डपैड का काम अलग है, यानी कि ये इससे ज़्यादा एडवांस होगा, ठीक है, यानी कि नोटपैड से वो ज़्यादा एडवांस होने वाला है। तो यहाँ पे वर्डपैड पे चले जाएंगे हम, तो यहाँ पे आपको वर्डपैड देखने को मिल जाएगा। तो ये वर्डपैड रहेगा, तो वर्डपैड में आपको चीज़ें ज़्यादा देखने को मिलेंगी, कुछ मेन्यूज़ देखने को मिलेंगे, जैसे होम मेन्यू है, होम मेन्यू में कुछ ज़्यादा चीज़ें देखने को मिलेंगी। फॉर एग्ज़ाम्पल हमें यहाँ पर अलाइनमेंट नहीं दिया गया था नोटपैड में, जो कि आज वर्डपैड में देखने को मिलेगा। तो यहाँ पर वर्डपैड में आपको चार सॉफ्टवेयर देखने को मिल जाएंगे, यहाँ पे चार ऑप्शन देखने को मिल जाएंगे, जैसे लेफ्ट, सेंटर, राइट, जस्टिफाई, ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएंगी, जैसे बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन, ये भी सारे आपको देखने को मिल जाएंगे। तो जैसे आप यहाँ पे लिखते हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल मैंने यहाँ पे लिखा, ठीक है, तो ये मैंने फाइल लिख ली है। अब मैं क्या करने वाला हूँ, यहाँ पे सेलेक्ट किया इसको, सेलेक्ट करने के बाद सेंटर कर सकता हूँ, लेफ्ट कर सकता हूँ, जस्टिफाई कर सकता हूँ, राइट कर सकता हूँ, ठीक है। तो ये सारे ऑप्शन आपको यहाँ पे देखने मिल जाएंगे। पिक्चर आप यहाँ से ला सकते हो, तो पिक्चर आपको अगर जैसे कोई लेके आनी है, जैसे ये सैम्पल पिक्चर है मेरे पास, तो मैं पिक्चर यहाँ से इंसर्ट कर सकता हूँ इसमें। तो यहाँ से मैं पिक्चर इंसर्ट कर लेता हूँ, और यहाँ से बोलूँगा इसमें सेलेक्ट करके ओके, तो ये पिक्चर इंसर्ट हो जाएगी। तो वो जहाँ पर जो नोटपैड में कमियाँ थी उसको पूरा कर सकता है वर्डपैड, ठीक है। अगर आप नोटपैड पर सिर्फ नॉर्मली नोट टाइप करना चाहते हो तो टाइप कर सकते हो, लेकिन वर्डपैड पे आप यहाँ पर इसमें आपको वो सारी चीज़ें देखने को मिल जाएंगी जो कि नोटपैड में आपको देखने को नहीं मिल रही थी। उसके बाद नेक्स्ट में आप बात करने वाले हैं यहाँ पर
विंडोज़ मीडिया प्लेयर के बारे में। तो विंडोज़ मीडिया प्लेयर आपको मीडिया सेंटर के नाम से भी मिल सकता है। तो ये मेरे पास विंडोज़ मीडिया प्लेयर होता है। मीडिया प्लेयर का मतलब ये, इसके द्वारा आप म्यूज़िक चला सकते हो, ठीक है, वीडियोस चला सकते हो, वो सारी चीज़ें आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएंगी। जैसे ये विंडोज़ मीडिया प्लेयर यहाँ पे ओपन हो गया, आप विंडोज़ में म्यूज़िक चला सकते हो, वीडियो देख सकते हो, पिक्चर्स प्लस वीडियोज़ देखिए, सारे ऑप्शन आपको आ रहे हैं, ठीक है। तो ये डिफ़ॉल्ट आपको दिया होता है प्लेयर, वो विंडो प्लेयर होता है ये। उसके बाद नेक्स्ट मैं आपको बताने जा रहा हूँ, यहाँ पर कैलकुलेटर, मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ, यहाँ पर गेम्स हैं एंटरटेनमेंट के लिए। तो यहाँ पर आपको यहाँ पर कुछ नहीं करना है, यहाँ पर राइट साइड में आप पैनल पे जाएंगे तो आप आपको गेम का ऑप्शन मिल जाएगा, आप यहाँ से गेम चूज़ कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर एक और ऑप्शन मिल जाता है आपको, मैथ इनपुट पैनल का। मैथ इनपुट पैनल के द्वारा क्या कर सकते हो आप, यहाँ पर जैसे मैंने सर्च किया मैथ इनपुट पैनल, ठीक है, तो मैथ इनपुट पहले मैंने सर्च कर लिया। तो यहाँ पर जैसे आपको कोई भी लिखना है, कुछ भी लिखना है, तो यहाँ पर आप लिख सकते हो, ठीक है। तो यहाँ से इसको मैं क्लोज कर देता हूँ और यहाँ से मैं इसको इरेज क्लियर कर दे रहा हूँ, ठीक है। अब यहाँ पर मैं कुछ नया लिख लेता हूँ, जैसे मैं लिख लेता हूँ यहाँ पे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और मैं इंसर्ट कर देता हूँ। अब क्या होगा, ये हिस्ट्री में सेव हो जाएगा। जैसे आप इसको ओपन करोगे तो देखिए यहाँ पे आपको हिस्ट्री में दिखाई देगा ये, ठीक है, तो यहाँ पे ये सेव हो जाएगा। तो मैथ इनपुट पैनल का काम यही है, ये इसमें आपको डिफ़ॉल्ट मिलता है, ज़रूरी नहीं कि आपको यूज़ करना ही है, ठीक है। तो ये इसका कुछ यूजेस मैंने आपको बता दिए हैं, तो इसमें ज़्यादा यूज़फुल आपके लिए रहेगा एमएस पेंट, मैं आपको बता दे रहा हूँ। नोटपैड और वर्ड पेड तो आपके लिए यूज़फुल रहेगा। एमएस पेंट में क्या कर सकते हो, हल्के फुल्के से आप पेंटिंग कर सकते हो, आपके हाथ को स्टेबल कर सकते हो, ठीक है। तो जैसे यहाँ पर सिग्नेचर वगैरह हमें ज़रूरत पड़ती है तो वो भी हम यहाँ पर कर सकते हैं। तो सिंपली मैं ये करने वाला हूँ, यहाँ पर कुछ शेप्स वगैरह लेयर ड्रॉ करूँगा। तो यहाँ पर मैंने एक शेप ड्रॉ कर लिया, ठीक है। इसके अंदर मैं कलर फिल कर देता, तो कलर फिल करने के लिए यहाँ पर बकेट होती है हमारे पास, तो यहाँ पर ये बकेट ले लेता हूँ, मैं सॉलिड कलर ले लेता हूँ, ये ले लिया मैंने कलर, ठीक है, और ये क्रेयॉन्स कलर टू, ठीक है, ये ऑलरेडी फिल हो गया। मैं यहाँ से अगर कलर चेंज करता हूँ, इसको येलो कर दूंगा तो ये येलो हो जाएगा, ठीक है। आपके पास यहाँ पे ब्रशेस के ऑप्शन भी होते हैं, तो ब्रशेस के ऑप्शन से भी आप ड्रॉ कर सकते हो या कुछ नोट लिख सकते हो। फॉर एग्जांपल इस तरीके से मैं कुछ चीज़ें लिखी हुई हैं, तो आप भी बहुत सारी चीज़ें लिख सकते हो, इसको सेव कर सकते हो, ठीक है। यहाँ पर सेव का ऑप्शन मिल जाएगा आपको। बेसिकली इसका यूज़ जो होता है वो पेंटिंग के लिए होता है, ठीक है। तो ये एक डिफ़ॉल्ट सॉफ्टवेयर होता है, इसकी एसोसरीज का हिस्सा होता है। तो यहाँ पर मैंने आपको कुछ चीज़ें बताई, जैसे कि एसोसरीज में एमएस पेंट, एमएस नोट पेड, वर्ड पेड, विंडोज़ मीडिया प्लेयर, कैलकुलेटर, गेम्स, मैथ इनपुट पैनल। नेक्स्ट क्लास में मैं आपको इसके आगे बताने वाला हूँ कि इसमें लैंग्वेज को कैसे सेट किया जाता है, ठीक है।